काइनवेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको एक बार वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ वीडियो किस तरह से शूट किया गया है। वीडियो में जो आपको ओरिजिनल साउंड होगा ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी शूट कर लेना है। वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। वीडियो को आई तरफ लेकर आना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टूल राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा रिमूव कर सकते हैं। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक सिंपल आपको कैप्चर इन शेप पे क्लिक कर लेना है। ये जो इमेज है आपका ये कैप्चर हो जाएगा। वीडियो के बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने एक कैप्चर किए थे उस कैप्चर इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते इमेज जो हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर और सिंबल से इसे इक्वल कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इमेज जो है छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल से सेकेंड वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट यस लेयर पर क्लिक कर देना है। इस वीडियो को आपको कर देना है डिलीट। इसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करना है और इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद सिंपल इस पे करना है कि आपको इस पे क्लिक करना है और इसे आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है और इसको आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है और आपको यहाँ पे सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एडिट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको करना है कि यहाँ बैकग्राउंड जो भी आप क्लिक करेंगे तो सिंपल क्लियर आपको बैकग्राउंड क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है क्योंकि मैं बैकग्राउंड सही से कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। तो आपको सही से कैप्चर कर लेना है और यहाँ पर आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा वीडियो जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है।